वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं और यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपका दिल से बहुत सारा शुक्रिया यहाँ पर होने के लिए। तो जो ये आपके लिए वीडियो है, ये रीडिंग है आपके लिए डेली एंजेलिक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। 7 अगस्त 2021 के लिए आपके एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, ये रीडिंग है इसी बारे में। लेकिन इस रीडिंग को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ करना चाहूंगी, यानी कि एक क्वायरी थी जो मैंने आज एक वीडियो डाला है लॉयन गेट्स पोर्टल का, उसके अंदर एक क्वायरी थी, तो मैं उसको बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी। एक्चुअली यहाँ पर वो सुन सकती हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था। तो अगर आप अपने एंजल से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या उनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पास आपके अपने पर्सनल जो है गार्जियन एंजल होते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करके आप आराम से बैठिए मेडिटेशन में और उसमें अपने गार्जियन एंजल से कहिए कि वो आपके सामने आए या फिर आपको उनकी प्रेजेंस महसूस हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको होती है और कई बार नहीं होती है, तो आपको अपने जो एंजल्स हैं उन पर ट्रस्ट करना होगा कि वो आपके साथ ही हैं, क्योंकि जो आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं वो बर्थ के साथ ही आपके साथ असाइन होते हैं, एक या दो होते हैं और कुछ मामलों में बीच बीच में आपके साथ में कोई ना कोई ऐसे गार्जियन एंजल्स या एंजल्स कनेक्ट होते रहते हैं जिनकी जरूरत आपकी सोल जर्नी में होती है। लेकिन आपके साथ एक या दो जो गार्जियन एंजल्स हैं वो हमेशा ही होते हैं और आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टाइम वो अकेला नहीं छोड़ते। तो आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा है आपके जीवन में, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, आपसे ज्यादा ही जानते हैं आपके बारे में, क्योंकि वो आपका वो साइड भी देखते हैं, आपका वो स्पिरिचुअल साइड या अदर वर्ल्ड का साइड जो कि आप नहीं देख पा रहे होते। तो इसके लिए आप अपने जब एंजल से कॉन्टेक्ट करना चाहें या उनसे कनेक्ट होना चाहें तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए या प्रेयर करनी चाहिए। आपके पास एक ऐसा अल्टर होना चाहिए जहां पर आप उनकी कोई पिक्चर लगा सकते हैं सिंबल के रूप में, यानी कि आप वहां पर उनको कोई ऑफरिंग दे सकते हैं, आप कैंडल जला सकते हैं, आप कोई रिचुअल कर सकते हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, यानी कि डिवाइन वर्ड के साथ में कनेक्ट होने के लिए। अपने एंजल्स के साथ हम काम ऐसे ही करते हैं जो कि बहुत सरल है, कि आप अपने ऊपर आप अपने एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं या आप डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं और वहां पर जो आपको मैसेजेस मिलते हैं उनको आप सुनते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एंजल्स के साथ में काम करना चाहते हैं तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, तो आप मेडिटेशन में उनका नाम पता कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे बोल सकते हैं कि आप उनका नाम जानना चाहते हैं जो भी आपके गार्जियन एंजल हैं, और फिर जो नाम आपको आए उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। या फिर आप उनको कोई ऐसा नाम भी दे सकते हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो। कृपया करके अपने किसी एक्स का नाम नहीं दीजिएगा, किसी ऐसे इंसान का नाम नहीं दीजिएगा जिसको आप ढूंढ रहे हो अपने लिए कि यही इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि कभी भी फिर आप अपने गार्जियन एंजल के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप जब भी अपने गार्जियन एंजल का फिर नाम लेंगे या फिर उनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपको उसी पर्सन की जो एनर्जीज हैं वहां पर दिखाई देंगी या महसूस होंगी। तो इसके लिए ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनाइएगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का नाम भी नहीं दीजिएगा जो कि आपके लिए सही नहीं हो या फिर आपके लिए कभी हेल्पफुल नहीं रहे हों। तो आपको कोई ऐसा यूनिक नेम देना है या फिर ऐसा नाम होना चाहिए जो आपके हार्ट के करीब हो या जिसके साथ आप थोड़ा सा कनेक्शन महसूस करते हो। तो जब भी आप उस नाम को लेंगे या जब भी आप उसके द्वारा कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप उनको उस नाम से जब जानते हैं तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं, जब आप क्योंकि वो आपके बारे में सारी बात जानते हैं तो आप उनको लेटर लिखकर जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो आपकी वरीज हैं, जो आपकी चिंताएं हैं आप उन्हें बोल सकते हैं। और फिर जब आपको इंट्यूशंस होती हैं, जब आपको ये प्रेरणा मिलती है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि कोई आइडिया आ रहा है, कोई काम आपको करना है, कोई कदम आपको उठाना है, वो आपको उठाना चाहिए। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जब आपके एंजल्स आपको सामने दिख जाएं और आपसे कहें कि आप यही करिए, तो वहां तक का इंतजार आपको नहीं करना क्योंकि वो सबके साथ नहीं होता। इसके लिए ही आपको यही करना चाहिए कि आप अपने एंजल से रिक्वेस्ट करें और फिर उसके बाद में जो इंट्यूशंस होती हैं उनको आप सुने और उस पर एक्ट करें। अपनी डे टू डे लाइफ को आप क्लीन करें, प्योर करें और अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें और प्योर करें। आपकी इंटेंशंस जितनी ज्यादा क्लीन और प्योर होंगी उतना ज्यादा आपके जो एंजल्स हैं, डिवाइन वर्ल्ड है, आपके साथ कनेक्ट होगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये चैनल मैंने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही बनाया है, तो मुझसे जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपको कभी भी ऐसी एनर्जी में ट्रैप होने के लिए नहीं कहूंगी जहां पर आपके लिए कोई भी फायदा नहीं है।
आपको बहुत ही क्लीन, ये एक बहुत सिंपल बात है कि अगर आप डिवाइन वर्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे हेल्प लेना चाहते हैं या उनकी मदद चाहते हैं, तो आपको खुद पे काम करना होगा, अपनी प्योरिटी को आपको बढ़ाना होगा। अगर आप लोगों का कोई आइडिया चुराते हैं, उनका नाम चुराते हैं, अगर आप उनको कोई धोखा देते हैं, आप उनके लिए कोई बैक बाइटिंग करते हैं, आप उनके साथ में कलह करते हैं, उनके साथ में आप झगड़ते हैं, उनके बारे में बुरा थॉट रखते हैं या फिर आप बुरी नज़र ईविल आई रखते हैं किसी के लिए, तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आप नेम फेम थोड़े समय के लिए तो पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आपके घर में या आपके जीवन में जो मानसिक अशांति होती है उसका कोई भी पार नहीं होता। आप कभी भी उस जो डैमेज होता है उसको बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए ही जब आप डिवाइन वर्ड के साथ में काम करें या जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल कहना शुरू करें, तो वहीं से आपको अपनी इंटेंशंस, अपना हार्ट, अपनी सोल, अपने जो कर्मा है, अपने एक्शंस हैं, उन सबको क्लीन और प्योरीफाई जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी से आप अपने एंजल से, डिवाइन वर्ड से कनेक्ट हो पाएंगे। अपने एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी इस प्रेयर को गॉड तक पहुंचाया जाए, ईश्वर तक पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि जो एंजल्स होते हैं वो कभी भी बर्थ नहीं लेते हैं, ना ही वो किसी डायमेंशन में बंधे होते हैं, और बहुत ही अपर लेवल की एनर्जीज होती हैं, यानी कि बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं वो भी। तो यहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी इस प्रेयर को पहुंचाया जाए ईश्वर तक, और जब आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, आपकी इंटेंशन प्योर होगी, तो आपके एंजल्स आपकी मदद भी जरूर करेंगी। तो ये बहुत छोटी सी बात है, हालांकि बहुत और सारे भी तरीके हैं, लेकिन वहां तक नहीं जाके अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके लिए आपके एंजल्स का, डिवाइन वर्ड का रास्ता खुल जाएगा। और जरूर बताइएगा आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक नंबर है, एक अल्फाबेट है, कलर से चूज कर सकते हैं, नंबर से चूज कर सकते हैं, आप सर्कल और स्क्वायर से चूज कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, नंबर 9 के लिए, ईट योर डेजर्ट फर्स्ट, यानी कि अपना मीठा खाने की जरूरत है आपको दिन शुरू करने के लिए। और आपके लिए जो दूसरा मैसेज है, गेट आउट ऑफ योर ऑन वे, तो अपने रास्ते से आपको हटना है, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि आप खुद ही अपने रास्ते में रोड़ा अटकाएं। तो अपने लिए वीडियो पॉज करके आप कोई सभी एक मैसेज चुन लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 9, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी नंबर 9 चुना है, ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है टैरो कार्ड से, वो कार्ड है हाई प्रिस्टिस का। ये कार्ड आपकी उस इंट्यूशन की बात करता है जो कि कल के दिन आपको जरूर सुननी चाहिए। यहाँ मून की एनर्जीज भी हैं, तो जो न्यू मून का टाइम है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पोस्ट हो चुका है लाइन पोर्टल का, तो लाइन गेट पोर्टल का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन है आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आपको अदरवर्ड से डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आपके मन में एक शांति सी रहेगी कल के दिन में। हो सकता है कुछ पुरानी बातें हो, लेकिन उन सब चीजों को लेकर आप उन चीजों को, उन यादों को, उस सारी मेमोरीज को बैलेंस करके चलेंगे और अपने आप को शांत रखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आपके लिए मैसेज भी है, ईट योर डेजर्ट फर्स्ट, तो कुछ मीठा खाने की जरूरत रहेगी आपको। कुछ मामलों में आपको खुद को इसलिए भी बैलेंस करना होगा कल के दिन में, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनली डिसबैलेंस कल के दिन हो सकते हैं। मून की एनर्जीज हमेशा आपके इमोशंस पे इफेक्ट डालती हैं, तो कल के दिन अगर आपको कोई भी इमोशनल डिसबैलेंस लगता है तो थोड़ा सा मीठा खाना आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नेक्स्ट, क्वीन ऑफ वांड्स का। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको इंट्यूशंस अपनी सुनना अगेन जरूरी होता है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशंस की बात करते हैं। आपके जो भी काम है उसको कीजिएगा, आपका जो पैशन है उसको आगे बढ़ाइए, और जो भी काम स्पेसिफिकली अगर आपको टीम वर्क में कर रहे हैं या लोग रिलेटेड हैं आपके साथ में, तो उसमें एक विक्ट्री की एनर्जी रहेगी आपके अंदर। बहुत ही ब्राइट साइड देखेंगे लाइफ का, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने काम में अपना 110% आप जरूर देंगे। अगेन यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फोर ऑफ कप्स का, और ये कार्ड आपकी ब्लॉकेजेस में है। तो ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आप उस एनर्जी पर फोकस करेंगे कल के दिन, जो कि आपको या तो जीवन के उस साइड को देखने को मजबूर करेगी जहां पर अनहैप्पीनेस है, या फिर आपको लगेगा कि आपके लिए कुछ भी नया है नहीं। तो यहाँ पर आपको इस तरफ देखना है जहां पर आपके लिए लाइट है, जहां पर आपके लिए खुशियां हैं, जहां पर आपको ये बॉल ऑफर किया जा रहा है जिसमें से रंग निकल रहे हैं। तो आपके लिए कल के दिन ये ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जहां पर आप थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो, अदरवाइज आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड है। सबसे पहला कार्ड है बेस्ट फ्रेंड्स का, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो आपके लिए कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, या फिर किसी को आपको कल के दिन सपोर्ट करना पड़ सकता है, तो जरूर कीजिएगा। और आपके लिए कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं एनिमल वर्ल्ड से, या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके सबसे बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं कल के दिन में। तो वो आपके साथ ही हैं, इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझिएगा कि आप अकेले हैं या कुछ भी आपको अकेला करना पड़ रहा है। ये मैसेज है यहाँ पे थैंकफुल का, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो जिन लोगों के लिए भी आप
आपको लगता है कि लोगों ने आपका सहयोग दिया है या जो भी अनुभव आपको जीवन ने दिए हैं उस वो अगर आपके जीवन में नहीं होते तो आप कहाँ होते। तो कल का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपकी जो भी खुशियाँ हो, जो भी आपका अचीवमेंट हो, वहाँ पर आपके मन से बहुत ही आभार निकले और आप बहुत ही अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्रेस करें यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, कि आपको यहाँ तक पहुँचाया गया या फिर जीवन ने आपको ये सारे अनुभव दिए। आप में से कुछ लोग क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं ही, तो यहाँ पर आप हो सकता है कल के दिन उस सारी एनर्जी को अप्रिशिएट करें जो भी आपकी लाइफ में चल रही है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। अगर कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ध्यान नहीं देना है, आपको उस एनर्जी की तरफ ध्यान देना है जो कि आपको ब्राइट साइड की तरफ लेके जाती है लाइफ की। तो यहाँ पर ये लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो प्योरिटी से आती हों, हैप्पीनेस से आती हों, डिवाइन की तरफ से आती हों। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं है और आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अनहैप्पी स्ट्रेस की तरफ लेके जाती ही जाती है। तो आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आप गिफ्टेड हैं, तो उसका यूज़ कीजिए, ना कि आप उस तरह की एनर्जी का यूज़ करें जो कि आपको डाउन करती हैं, जो कि डल करती हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हों जो कि करना तो नहीं चाहते लेकिन या तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपको करना पड़ रहा है या फिर अपने आप को बचाए रखने के लिए आपको करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में आपको डिसाइड करना ही होता है, कभी कभी अपना पाथ भी चेंज करना होता है। यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। आपके लिए जो रिलेशनशिप के लिए एडवाइस है, आज दो कार्ड आए हैं। केमिस्ट्री का मैसेज है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस करें अपने रिलेशनशिप में। यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो कुछ मामलों में आपको अगेन अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी जो पैशन होता है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि आपके पार्टनर को ये ना लगे कि आप सिर्फ उसी की तरफ ही रहते हैं या उसी की चारों तरफ उसके चारों तरफ ही आपकी दुनिया है। आपके पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि आप अपने लिए भी कुछ सोचते हैं, आपका अपने आप को लेकर भी कोई विजन है। तो वो विजन आपको मिलेगा इंट्यूशन से और साथ ही साथ मेडिटेशन से। तो कल के दिन की एनर्जीज आपको मेडिटेशन करने के लिए जरूर कहती हैं और अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए भी। आपके लिए आर्चेंजल राफेल के डेक से कार्ड है फ्रेश एयर का। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ इजियर इन ऑलवेज। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ताजी हवा की जरूरत पड़ सकती है, आपको खुली हवा में जाने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ घुटन हो सकती है कल के दिन आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इमोशनली थोड़ा सा आपके अंदर अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़ा सा अकेलेपन की एनर्जी हो सकती है जहां पर आप अकेले रहकर चीजों को सोचें या सोचना चाहें। कुछ पास्ट की मेमोरीज हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि आपको ब्लॉकेजेस करें या फिर आपको जीवन के उस साइड को देखने को मजबूर करें जहां पर अनहैप्पीनेस होती है। तो चॉइस आपके हाथ में रहेगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइफ की ब्राइट साइड पे फोकस कीजिए और वो चुनिए जो कि सही है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें कल के दिन में। अपने एंजल्स की एडवाइस को जरूर सुनिएगा जो उन्होंने आपको बोली है। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका कल का दिन भी बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका जन्मदिन है तो बर्थडे सेक्शन को मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने मैसेज चुना है गेट आउट ऑफ योर ऑन वे। तो कल के दिन कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जहां पे आप अपने ही चीजों में बाधा बन रही हो या फिर आप कोई इस तरह का काम करें, इस तरह का चॉइसेस करें जो कि आपको आगे लेकर ना जा सके। तो कुछ मामलों में अपने थॉट्स को आप देखिएगा, सुनिएगा, लेकिन ये देख लीजिएगा कि आप एक स्टेबल एनर्जी के साथ में या फिर आप ग्राउंडेड होकर ही कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर आपने ठहर कर सोच कर ही कोई निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जब आप ठहर कर या सोच कर कोई डिसीजन लेते हैं तो आप सही दिशा में जा पाते हैं, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए कुछ ऐसी ही हैं। द चैरियट का कार्ड है, ये आपके लिए विक्ट्री की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की बात करता है। तो कल के दिन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस बिल्कुल करना चाहेंगे और आगे की तरफ बढ़कर ग्रोथ करना चाहेंगे। आप जीवन के उस पहलू को देखना चाहेंगे जो कि लाइफ में आपके रास्ते को क्लियर करता है, आपको अलाइन करता है, आपको आगे लेकर जाता है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है एस ऑफ पेंटाकल्स का। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपनी कोई नींव रखते हैं जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाए और आगे लेके जाए। कुछ आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको इंस्पायर करें कदम उठाने के लिए और आप उसमें कोई ना कोई काम करना चाहें। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स का, ये कार्ड बात करता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये कार्ड है आपके ब्लॉकेजेस में। जब ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में आता है तो ये कार्ड कहता है जो कमिटमेंट आप करें उसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर कल के दिन कोई कमी महसूस होती है तो वहां पर आप किसी ऐसे इंसान से राय ले सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको नॉलेज हो और जो आपकी ग्रोथ करने में मदद कर सके। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात करता है क्योंकि पेज जो है वो एक न्यू एनर्जी की बात तो करता है लेकिन ये कार्ड है आपके ब्लॉकेजेस में। कुछ ऐसे काम आप करने की सोच सकते हैं कल के दिन जिसमें आपको अनुभव की भी जरूरत है, तो अनुभव आपके लिए बहुत मस्त रहेगा।
आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड से पहला कार्ड है, ये कार्ड है डिसाइड का। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको एक्सपीरियंस या नॉलेज भी और ज्यादा चाहिए, तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। जो बात मैंने लायंसगेट पोर्टल वाले वीडियो में बोली है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आपको ये डिसाइड करना होगा इस टाइम पीरियड में कि आखिर आप चाहते क्या है, वही चीज आपके जीवन में आगे आपके भाग्य को बनाएगी। और अगर आप इस टाइम पीरियड में इन चीजों को चूज नहीं करेंगे तो वहीं रहेंगे जहां पर आप हमेशा से रहते आए हैं, यानी कि स्टक एनर्जी में रहेंगे। तो आपके लिए आपके एंजल्स की एडवाइस यही है कि डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या है और उस चाहत को, उस मैनिफेस्टेशन को पूरा कीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट कर रहा है फुली। तो आपको जरूर यूज करना चाहिए इसका। आपके लिए मैसेज है इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। अगर आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाती हैं तो आप अपने जीवन को कहां देखते हैं, अगेन इमेजिन कीजिए और उसी तरह से अपनी उस भविष्य की कल के दिन नींव रखिए, वही चीज आपको आगे लाइफ में लेके जाएगी। कोई नया आइडिया आ सकता है, कुछ ऐसी बातें भी आप डिसाइड कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को ग्रोथ देंगी। ये आपकी फिजिकल बॉडी के बारे में भी है, यानी कि अपनी बॉडी के लिए भी शायद आप कुछ करना चाहते हैं, तो यहां पर भी कल के दिन आप कुछ कर सकते हैं। हीलर का मैसेज है आपके लिए, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी कल के दिन, किसी के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, तो अपने उस आइडिया के लिए आप किसी से मदद लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए और किसी की हेल्प लीजिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। गेट आउट ऑफ योर ओन वे, आपने ही ये मैसेज चुना है, तो अपने रास्ते में आप खुद बाधा नहीं बनिए। किसी से हेल्प लेनी है तो जरूर लीजिए और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये आइडिया ऐसा हो सकता है आपका जो कि आपको फायदा दे के जाए, इसलिए भी कुछ बातें आपको डिसाइड करनी होंगी। रोमांटिक फीलिंग्स का यहाँ पर पहला मैसेज है आपके लिए, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो अगेन डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो एक अच्छे मोड़ पर है, उसको आप और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। सोलमेट का मैसेज है आपके लिए, यस दिस इज योर सोलमेट। तो अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर वो पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है। अगेन आपके पास क्योंकि कुछ चीजों की या तो नॉलेज पूरी नहीं है या आपको क्लियरली कुछ बातों के बारे में पता नहीं है, तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर उन चीजों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी आप कीजिए, थोड़ी सी आपको जानकारी कल के दिन इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे आपका कोई आइडिया हो या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ही होगा, तभी आपके लिए चीजें कल के दिन बेटर हो पाएंगी। डिवाइन इंटरवेंशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, आप आर्चेंजल रावेल से प्रेयर कर सकते हैं। आप किसी की हेल्थ के लिए, किसी की हेल्प के लिए, किसी भी तरह से आप कोई प्रेयर करना चाहते हैं, डिवाइन की मदद चाहते हैं, तो आप आर्चेंजल रावेल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि आपको डिवाइन का दखल चाहिए इस सारी सिचुएशन में। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप आर्चेंजल रावेल से प्रेयर जरूर कीजिएगा। ओवरऑल कल के दिन की एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, अगर मदद लेने की जरूरत पड़ती है वो आपको जरूर लेनी चाहिए। वैसे आप खुद कैपेबल हैं अपनी मदद करने के, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस या नॉलेज कम है किसी बात में, तो किसी से मदद लेने में कोई हर्ज भी नहीं। तो आपका ये दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आपका जन्मदिन है तो प्लीज बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी जन्मदिन है 7 अगस्त 2021 के दिन में ये रीडिंग है आपके लिए। आपको हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ईश्वर करे कि आपको वो मिले जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि वही जानता है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, तो वही लेंगे। आपके लिए पहला मैसेज है सिंगिंग एंड डांसिंग का, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो थोड़ा सा डांस करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, थोड़ा सा खुद को खुश करने की जरूरत है, तो जरूर कीजिए ताकि आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइन हो सके, थोड़ा सा आप खुश हो सकें और जीवन में अपनी ग्रोथ कर सकें। कैंसर के लिए डिलीट का मैसेज है, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो आपको अपनी जो भी सिचुएशन है या मैनिफेस्टेशन है उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स और थॉट्स को ही यूज करना चाहिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप अपनी ग्रोथ कर सकें। जो भी आपने पास्ट में आज तक अपने लिए बुरा सोचा है, खराब सोचा है, आपको एंजल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उन सबके जो भी इफेक्ट हैं उन सबको कैंसिल किया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियां जो है मैनिफेस्ट कर सकें। यानी कि अगर आप पास्ट में अपने आप को बहुत ज्यादा कर्ज करते रहे हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, तो वहां पर आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने एंजल से कि वो आपकी उस जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी, नेगेटिव वर्ड थे या आपकी सोच थी,
जो भी आपने वहाँ क्रिएट किया था उसको कैंसिल करें और अब से आप अपनी लाइफ में सब कुछ जो पॉजिटिव है उसको ही क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको हर दिन के साथ लीजिए। कभी भी परेशान नहीं होइए कि चीज़ें आपके लिए कैसे ठीक होंगी, कब होंगी, इतना सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चीज़ें ठीक होनी होंगी वो अपने टाइम पर हो जाएंगी। जस्ट प्रीथ, आपको थोड़ा सा एक्चुअली रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि सब चीज़ें आपको बहुत भारी ना पड़े या फिर एकदम से आप थोड़े से इरिटेट ना हो लाइफ से या फिर थोड़े से आप डिसअपॉइंट ना हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो भी थिंकिंग है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर करें। तो देखते हैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, तो आपके लिए पहला मैसेज है स्टॉप का। कुछ चीज़ें आपको स्टॉप करनी चाहिए, रोकनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है रिलैक्स का। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है जब तक आपकी चीज़ें डिवाइन वर्क ठीक कर रहा है आपके लिए। कमिंग का मैसेज है जो कुछ भी आप चाहते हैं अच्छा अपने लिए वो आपके लिए आ रहा है, इसके लिए आप तैयार रहिए। वर्जन का मैसेज है तो यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा वर्जन हो सकता है जो कि बुक का वर्जन हो सकता है या फिर आपका खुद का ऐसा वर्जन हो सकता है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है लाइफ का। लाइफ प्रीशियस है आपकी, तो इसलिए उसको आप भी उसी तरह से लीजिए। थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, डांस कीजिए, गाना गाइए ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रह सके। आपके लिए यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट होने चाहिए, न जाने क्यों आप नहीं लगते। ब्लेसिंग्स का मैसेज है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके बर्थडे पर आपके लिए। लुक का मैसेज है, ये आपके लुक के लिए भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपना लुक आफ्टर करना चाहिए, अपने लुक का ख्याल रखना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी आया है हग योर सेल्फ का। खुद से थोड़ा सा सेल्फ लव की एनर्जी में आपको जाने की जरूरत है। गाइडेंस फ्रॉम मून। ओके, तो आपके लिए इसमें से लेते हैं एक कार्ड। तो इस डेक में से एक कार्ड लेंगे आपके लिए कि क्या मैसेज आ रहा है। तो गाइडेंस फ्रॉम मून से 7 अगस्त 2021 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का मैसेज है आपके लिए। तो अपनी सिचुएशन में आप कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए भी आपको थोड़ा स्लो रहना चाहिए। नेचर एलिमेंट्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो 5 एलिमेंट्स है नेचर में, आपको उनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करनी चाहिए। आपके लिए ग्राउंडिंग एनर्जी जरूरी है। जैसे ये जो लड़की है यहाँ पे, ये जो एंजल है ग्राउंड पे कैसे डांस कर रही है, आपके लिए थोड़ी सी ऐसी ही एनर्जी जरूरी है। कम्युनिकेशन का मैसेज है तो लोगों के साथ खुल के कम्युनिकेशन कीजिए, अपने एंजल्स के साथ भी आप कम्युनिकेशन कीजिए। न्यू कनेक्शन का मैसेज है तो आपके कोई नए कनेक्शन बन सकते हैं जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करना ही होगा। लॉर्ड गणेशा का मैसेज है आपके लिए। तो लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके लिए, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं लॉर्ड गणेशा की। तो इस ब्लेसिंग्स का लाभ उठाइए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए। आपका ये जन्मदिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। हम सब की तरफ से एक बार फिर से आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपका जन्मदिन है या आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।